अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं रियाल्ट्राम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं आज 21 फरवरी 2023 हज़ार और न्यू मेट्रोसिटी के वीकली एपिसोड से मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ और वीकली एपिसोड जैसा कि आप लोग जानते हैं इसमें मैं डिस्कस करता हूँ ओवरऑल मेट्रोसिटी के हवाले से और उसके अलावा पूरे वीक में आप लोग देखते हैं कि मैं डिफरेंट वीडियोज़ बनाता हूँ डेवलपमेंट के हवाले से तो जितने भी नए दोस्त आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितने भी मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे तो दोस्तों आज मैं वीकली एपिसोड के थ्रू आप लोगों से सबसे पहले जो है डिस्कशन करूँगा सी ब्लॉक के वाले से तो सी ब्लॉक के वाले से जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बैल्टिंग हो चुकी है और उसका रिज़ल्ट जो है तीन से चार दिन का न्यू मेट्रोसिटी ने कहा था तो मैंने चेक किया है अभी तक न्यू मेट्रोसिटी की वेबसाइट पे नहीं आया आज उम्मीद है कि आ जाएगा और इस पर अगर सबसे पहले बात करें प्रॉफिट की तो जितनी भी नॉन बैलेट फाइल्स थी जो कि मार्केट में काफ़ी डाउन जा रही थी जिसमें पाँच मरला सात मरला और दस मरला कनाल और उसके अलावा ओवरसीज़ के आठ मरला चौदह मरला फाइल्स थी तो उनके रेट्स में काफ़ी बेहतरी आएगी जितनी भी फाइल्स माइनस में थी वो जो है वो प्रॉफिट पर जाएंगी और जैसा कि वो सी ब्लॉक में शामिल हो जाएंगी तो उनका रेट कुछ बेहतर हो जाएगा दूसरा इफेक्ट जो है वो सी ब्लॉक जो है बाकी ब्लॉक्स पे छोड़ेगा और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ए साउथ ब्लॉक बी ब्लॉक बी सेंट्रल ब्लॉक और अर्ली ए अर्ली बर्ड ए ब्लॉक जो है इनकी बेल्टिंग्स हो चुकी हैं तो इन चारों ब्लॉकों पे सी ब्लॉक का इफेक्ट पड़ेगा और सी ब्लॉक की वजह से इनके रेट्स में भी थोड़ा सा बूम आएगा तो उसके बाद बात करते हैं डेवलपमेंट के हवाले से तो सी ब्लॉक जैसा कि आप लोग जानते हैं कि थोड़ा सा पीछे है और इसके भी डेवलपमेंट जो है उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा और कुछ टाइम के बाद कुछ हरसे के बाद जो है डेवलपमेंट जैसी स्टार्ट होगी तो इसके रेट में रेट्स में जो है वो काफ़ी घूम आएगा तो तब तक के लिए जितने भी लोग हैं जिनका सी ब्लॉक में प्लॉट आया तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कर, वेट करें और अगर किसी ने बीस लाख का पाँच मरले का प्लॉट लिया है तो मैं उसे कहूँगा उसे चलाए उसे रन करें और ना के बजाय इसके माइनस में सेल करें या मार्केट में डाउन रेट पर सेल करें तो उसको थोड़ा सा होल्ड करें इन शाला उसमें आप लोगों को आने वाले टाइम में जो है वो प्रॉफिट मिलेगा उसके अलावा बात करते हैं ए साउथ ब्लॉक की तो ए साउथ ब्लॉक की बेल्टिंग के हवाले से जो है वो चौबीस तरीक को बेल्टिंग होने जा रही है जिसमें तीन जोन बना दिए गए हैं जोन वन जोन टू जोन थ्री तो काफ़ी लोग मुझे कॉल्स करके मैसेज करके पूछते हैं कि जोन वन में हमारा प्लॉट आएगा या जोन टू में आएगा या जोन थ्री में तो मैं सब लोगों से यही कहूँगा कि तीनों जो, जो, जो जोन है वो एक जैसे ही होंगे ओबियसली जिस तरह न्यू मेट्रो सिटी का अर्ली बर्ड ए ब्लॉक है उसी तरह जो है वो ए साउथ ब्लॉक होगा तो जोन वन टू थ्री का मतलब ये हो सकता है कि पाँच मरला के, के प्लाट जोन वन में आ जाएँ सात मरला दस मरला के जोन टू में आ जाएँ और कनाल और चौदह मरला के जो बड़े प्लाट हैं वो जोन थ्री में आ जाएँ इसके अलावा कोई इतना खासियत नहीं है कोई जगह लेवल नहीं है कोई जगह नीचे नहीं है कोई जगह ऊपर नहीं है तो अक्सर लोग पूछते हैं कि हमारी जो जगह है वो थोड़ी सी डाउन होगी और जोन टू की जो जगह है वो अच्छी लोकेशन है तो काफ़ी यूट्यूबर्स भी जो है वो गलत उनको इन्फॉर्म करते हैं तो मैं समझता हूँ कि तीनों जोन जो हैं वो एक जैसे हैं और तीनों में से किसी में भी आपका प्लॉट आता है तो वो एक अच्छा मैं समझता हूँ कि प्लॉट होगा और आने वाले टाइम में आपको ए साउथ ब्लॉक जो है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा और उसके अलावा जैसा कि बात करें पेमेंट की तो ए साउथ ब्लॉक में अक्सर लोगों ने दो लोन पेमेंट और सात इंस्टॉलमेंट जमा करवाई हुई हैं तो मैं उनसे कहूँगा कि जैसा कि न्यू मेट्रो सिटी ने कहा है कि बेल्टिंग अमाउंट भी जमा करवाएं तो जितने भी लोगों के साउथ ब्लॉक में प्लॉट हैं अक्सर लोगों को कॉल्स भी जा रही हैं कि आप बेल्टिंग अमाउंट जमा करवाएं अदरवाइज आपका प्लॉट है साउथ में कैंसिल हो जाएगा तो मैं उन्हें उन लोगों को यही कहूँगा कि बेल्टिंग अमाउंट जो है वो जमा करवा दें वैसे भी आपने अमाउंट देनी देनी है तो अभी जमा करवा देंगे आपके सा साउथ प्लॉट में एक अच्छा प्लाट बन जाएगा और जितने भी छोटे प्लॉट वाले लोग हैं और जिन लोगों ने पाँच मरला सात मरला लिया उनके लिए तो आसानी है जो बड़े प्लाट्स हैं उनके कनाल का हो गया या चौदह मरला का हो गया तो उनकी अमाउंट थोड़ी हैवी बनती है तो उन्हें भी मैं यही कहूँगा ये, ये गुजारिश करूँगा कि कहीं से पकड़ पकड़ के एक दफ़ा जमा करवा के तो ए साउथ ब्लॉक में एक अच्छा प्लाट जो है अपना मौके का प्लाट जो हासिल करें तो उसके बाद ये होगा कि आपके जो प्लाट की वैल्यू है वो बाकी ब्लॉक के नस्बत ए साउथ में काफ़ी अच्छी होगी जैसा कि अरली बर्ड ए ब्लॉक में अभी प्लाट जो है काफ़ी महंगा है तो उसके बाद दूसरा नंबर जो होगा हाई रेट्स जो प्लाट्स होंगे वो ए साउथ के होंगे तो ये जमा करवा के आपका तकरीबन पाँच मरल का अगर अंदाज़ा लगाया जाए सात इंस्टॉलमेंट दो बलून पेमेंट हैं और एक बेल्टिंग अमाउंट तो आपका सोलह लाख रुपये आलमोस्ट जो है वो एन एम सी को जा चुका होगा और बाकी किस्तें आपकी रह जाएंगी जो कि सत्रह से अठारह किस्तें होंगी इंस्टॉलमेंट होंगी तो वो आपने जो है वो टाइम के साथ साथ पे करनी है और उसके अलावा आप लोगों को बताता कि अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हमारे भाई डेवलपमेंट चार्जेस कितने होंगे तो जो मैंने सुना है जो मेरे इलम में आया है तो वो सत्तर हज़ार रुपये फ़ी मरला जो है वो न्यू मेट्रो सिटी डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो आप लोगों से लेगा और पाँच मरले पे ये तरीबन साढ़े तीन लाख रुपए और दस मरले पे सात लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस होंगे जितने भी लोगों के साउथ ब्लॉक में प्लाट हैं वो अपना माइंड सेट बना के रखें रेडी रहें और अमाउंट जो है अपनी वास अरेंज करने की कोशिश करें ताकि आने वाले टाइम में उन्हें किसी किस्म की मुश्किल ना हो तो प्राइस इंक्रीज़ के वाले से बात करें तो नंबरिंग लगने के बाद जिन प्लाटों का नंबर लग जाएगा उनकी वैल्यू काफ़ी बेहतर हो जाएगी और मार्केट में जो कम प्रॉफिट चल रहा है वो अच्छे प्रॉफिट पर चले जाएँगे और अर्ली बर्ड की तरह उनके रेट्स भी काफ़ी हाई हो जाएंगे डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट वर्क जो है वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से जा रही है अक्सर लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमार भ अब वहाँ जाके वीडियो नहीं बना रहे तो मेरा वीडियो ना बनाने का सबसे बड़ा रीज़न यही है वहाँ पर परमिशन नहीं मिल रही जितने भी यूट्यूबर्स आप देख सकते हैं कि या तो ड्रोन के थ्रू बना रहे हैं और वो बगैर परमिशन के कोई ना कोई बना रहा होगा एक आधा यूट्यूबर जो है वो बना रहा होगा अदरवाइज़ किसी को भी वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है तो मैं डेली बेसिस पे बात करता हूँ इंतज़ामिया से तो जिस दिन इनशाला इजाज़त मिलेगी तो इन श्ला मेरा वादा है आप लोगों से मैं प्रॉपर जाके वहाँ पर ज़ोन वन जोन टू जोन थ्री प्रॉपर उनकी वीडियोज़ बनाऊँगा जैसा कि आप लोगों ने मेरा काम देखा पिछले छः माह से मैं वीडियोस बना रहा हूँ और ये साउथ में जितनी अंदर जाके मैंने वीडियो बनाई है शायद कोई भी ना बना सको मेरी कोशिश होती है सबसे डिफरेंट वीडियो बनाऊँ और अच्छा कॉन्टेंट आप लोगों को दूँ तो ये था जी ए, ए साउथ प्लाग तो उसके बाद बात करेंगे कमर्शियल के हवाले से कमर्शियल के हवाले से भी अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मारवी कमर्शियल के हवाले से हमें बताएं तो कब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा तो अभी न्यू मेट्रो सिटी ने जो एक थोड़ी सी अनाउंसमेंट की है तो उसमें न्यू मेट्रो सिटी ने टू पॉइंट सिक्स सिक्स पाँच मरला और आठ मरला कमर्शियल के हवाले से कहा है कि बिगेस्ट न्यूज़ आने वाली है तो उसमें यही न्यूज़ होगी कि बेल्टिंग के हवाले से अनाउंसमेंट की जाएगी तो मेरा जो अंदाज़ा कहता है या तो मार्च के अंदर या मार्च के एंड पे जो है वो अनाउंसमेंट कर दी जाएगी बेल्टिंग की और हो सकता है कि एक से दो माह के अंदर जो है कमर्श की बेल्टिंग की जाए और एक और चीज़ भी मेरे जहन में आ रही है कि अर्ली बर्ड ए ब्लॉक और साउथ ए ब्लॉक और बी ब्लॉक के हो सकता है तीनों ब्लॉकों की इकट्ठी बेल्टिंग की जाए जितने भी लोगों के कमर्शियल हैं उनमें से कोशिश करके फ़फ़्टी सिक्सटी परसेंट जो है उनको उन लोगों को अलाट कर दिए जाएँ ताकि उन लोगों की जो फाइलें माइनस में जा रही हैं या लेवल प्राइस पे जा रही हैं तो उन पर एक अच्छा प्रॉफिट खड़ा हो सके तो जितने भी कमर्शियल होल्डर लोग हैं जिनके पास कमर्शियल फाइल्स पड़ी हुई हैं या उन्होंने अपने नाम पर करवाई हैं तो उनको मैं एक छोटी सी एडवाइस दूँगा फ्री की एडवाइस है कि थोड़ी देर इसको होल्ड रखें जहाँ आपने छः छः माह इंतजार किया दो दो माह इसको होल्ड रखें इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को देके जाएगा ये कमर्शियल तो कमर्शियल की प्राइसेस के बारे से लोग पूछते हैं तो आठ मरला और पाँच मरला की काफ़ी बेहतर हो गई हैं प्राइसेस पिछले दिनों मार्केट में जो है फ़ाइलें जो है बिल्कुल कम हो चुकी हैं तो जिसकी वजह से मार्केट में फ़ाइल नहीं मिल रही और रेट उसका काफ़ी बेहतर हो चुका है पाँच मरला कमर्शल का भी और आठ मरला कमर्शल का भी और ढाई मरला की बात करें तो थोड़ी सी मार्केट में फ़ाइलें भी पड़ी हुई हैं जिसकी वजह से उसका रेट अभी कम है जब चीज़ें ज़्यादा होती हैं दस जगह पर एक चीज़ पड़ी होती है तो उसका रेट हर जगह से अलग अलग मिलता है तो जहाँ से रेट सबसे कम होता है तो वो उसका मार्केट रेट बन जाता है जब चीज़ एक जगह ही पड़ी होती है या दो जगह पे पड़ी होती है तो वो अपनी मर्जी का रेट होता है तो वही उसका मार्केट रेट बन जाता है तो पाँच मरला और आठ मरला के कमर्शियल अभी मार्केट में ख़त्म हो चुके हैं जबकि ढाई मरला के अभी भी कुछ पड़े हुए लोगों के पास तो इन शाला बेल्टिंग के बाद मुझे उम्मीद है कि हंड्रेड परसेंट उम्मीद है मुझे कि कमर्शल के रेट जो है वो बेहतर हो जाएंगे तो दोस्तों एक न्यू ब्लॉक लॉन्च होने जा रहा है उसके वाले से अगर बात करें तो लो कॉस्ट ब्लॉक है तो ये पहले भी इसकी फाइल्स जो हैं थ्री पॉइंट फाइव मरला की थोड़ी थोड़ी थोड़ फाइल चंद फाइल्स जो हैं कुछ डीलर्स को मिली थी तो वो आती सेल हो गई थी तो ये जो फाइल्स हैं ये साढ़े तीन मरला की फाइल्स थी और अभी जो अनाउंसमेंट की जा रही है जो कि तेईस तरीक को परसों होने जा रही है तो उसमें यही अनाउंस किया जा जाएगा जो एक्सपेक्टेड है कि तीन मरला साढ़े तीन मरला सात मरला और पाँच मरला के प्लाट्स होंगे जो कि चार साल के इंस्टॉलमेंट पे दिए जाएंगे क्योंकि ये ब्लॉक जो है लो कॉस्ट ब्लॉक पीछे है काफ़ी तो इस ब्लॉक में जो इंस्टॉलमेंट का प्लान है वो चार साल का रखा गया क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो भी थोड़ी स्लो होगी टाइम लगेगा तो जहरी सी बात है कि छः ब्लॉक हैं तो सातवें ब्लॉक जो है लो कॉस्ट है तो पहले दूसरे पहले दो ब्लॉक जो है रेडी हो चुके हैं तो तीसरे रुपये काम हो रहा है तो सातवें पर भी जाते जाते टाइम लगेगा तो जिसकी वजह से लो कॉस्ट ब्लॉक जो है वहाँ पर इंस्टॉलमेंट चार साल की रखी गई हैं और उसके अलावा हो सकता है कि साढ़े तीन मरला की जो दो लाख नबे हज़ार डाउन पेमेंट थी रिसेंटली जो फाइल हमने परचेज़ की थी तो अभी हो सकता है कि दो लाख रुपए कर दी जाए और पाँच मरला की जो इंस्टॉलमेंट थी आ, वो अर्ली बर्ड ब्लॉक और ए साउथ की फाइल्स पे वो तकरीबन चार लाख पचास हज़ार रुपये थी तो वो हो सकता है तीन लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दी जाए और सात मरला जो है साढ़े पाँच लाख रुपए डाउन पेमेंट थी ती तो वो हो सकता है साढ़े तीन से चार लाख रुपये एक्सपेक्टेड मैं अपनी तरफ से अपने अंदाजे से बता रहा हूँ तो इन मेरा अंदाज़ा एकोरेट होगा उम्मीद है मुझे तो ये इनकी डाउन पेमेंट्स होंगी और ये सारी जो है अनाउंसमेंट जो है वो तेईस तरीक को की जाएगी और तेईस को मार्केट में फाइलें भी आ जाएंगी तो इन जो, जो, जो लोग इंटरेस्टेड हुए और जो जो, जो लोग न्यू मेट्रो सिटी में लो लो कॉस्ट ब्लॉक में अपने वसाइल के मुताबिक इन्वेस्ट करना चाहते हुए तो उन उनको फाइल जो है वो तेईस तरीक से इशू होना शुरू हो जाएंगी और दूसरी बात करें इस ब्लॉक की तो ये मोटरवे के बिल्कुल पास ब्लॉक लगता है और ये आखिरी ब्लॉक है इसके बैक साइड में मोटरवे होगा जो कि खारियाँ से रावल पिंडी तक बनाया जा रहा है अप्रूव भी हो चुका है और इस पर काम भी बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रहा है तो फ्रंट साइड पे सोसाइटी की खासियत है कि जी रोड है और बैक साइड पे जो है वो मोटर है तो इस वजह से ये सोसाइटी जो है एक अपना मुकाम रखेगी और इसकी वैल्यू भी अच्छी होगी ख़ास तौर तो पर जो गुजर खान के लोग हैं या जहलम दीना के लोग हैं उनके लिए एक बेहतरीन हाउसिंग मनसूबा होगा जहाँ पर वो रह भी सकते हैं और अपने जो है बिज़नेस वगैरह के लिए भी एक अच्छा और मौजूद जगह उनको मिल जाएगी तो इन आज का मेरे वीडियो का मकसद था कि आप लोगों को वीकली एपिसोड में जितनी भी चीज़ें नहीं हुई हैं इस वीक में उनके हवाले से आगाह किया जाए तो इन नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी और जितनी भी इंफॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में होगी और जितने भी आप लोगों के सवाल जो आप लोग कमेंट में करेंगे तो इन वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में उनका आंसर मिलेगा तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़